अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, और नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, स्वागत है आपका रेड फिल्म क्रिएशंस के सेगमेंट जीवन दर्शन में, और आज की प्रेरक कहानी है मृत्यु के उपरांत क्या। एक बार महात्मा बुद्ध से मलुक्य पुत्र ने पूछा, भगवान आपने आज तक ये नहीं बताया कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए, फिर उन्होंने उससे पूछा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक विष बुझा बाण घुस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहले शरीर में लगे उस बाण को हटाना ठीक रहेगा, या फिर ये देखना कि बाण किधर से आया है और किसे लक्ष्य करके बाण को छोड़ा गया है? मलुक के पुत्र ने कहा, पहले तो शरीर में लगे बाण को तुरंत निकालना चाहिए, अन्यथा विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब ये बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु के बाद की बातों के बारे में सोचा जाए। बुद्ध का ये कथन सुनकर मलुक के पुत्र अब समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने विचार हमसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।